मैं हूँ आपके साथ अपराजिता। चलिए रुक करते हैं झारखंड की एक खबर पर। झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा 22वां प्रांतीय सभा सह लघु अधिवेशन समागम रांची में पूरे झारखंड प्रदेश से मारवाड़ी समाज का युवा समाज सेवी अभिषेक अग्रवाल उर्फ गोली जमशेदपुर निवासी को समाज सेवा के क्षेत्र में पूरे प्रांत में झारखंड युवा रत्न सम्मान से अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र भट्ट एवं रांची के सांसद संजय सेठ टीवी और फिल्म अभिनेत्री आस्था अभय की गरिमामय उपस्थिति में सम्मानित किया गया। झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा झारखंड प्रदेश युवा रत्न के सम्मान से सम्मानित होने पर अभिषेक अग्रवाल और गोली को जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान के समाज के द्वारा बहुत बहुत बधाई दी गई है एवं उनके इस उपलब्धि पर पूरे जिला के मारवाड़ी समाज में काफी कई संस्थाओं में हर्ष है। युवा अभिषेक ने कहा कि समाज सेवा मेरे लिए संस्कार है, निस्वार्थ भाव से यथासंभव जरूरतमंद की मदद और समाज सेवा करना हमारे संस्कारों की पहचान कराता है। समाज सेवा के लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं रहती, यदि पद लिया हो तो दायित्व का निर्वहन करना ही सच्चे समाज सेवी का धर्म होता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं संकल्पित हूँ कि समाज के किसी भी व्यक्ति को मेरी जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी मैं उनके साथ खड़ा मिलूंगा। उन्होंने मारवाड़ी युवा मंच के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। बता दें कि अभिषेक शहर के विभिन्न संस्थाएं जैसे सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पूर्वी सिंहभूम जिला अग्रवाल सम्मेलन, मारवाड़ी सम्मेलन, श्री टाटा नगर गौशाला, JCI राउंड टेबल, लॉयंस क्लब, BNI इत्यादि में सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक अग्रवाल होल्डी है। मैं झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे इस युवा रत्न सम्मान से नवाजा है। मैं गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि जो मेरे परिवार की परंपरा रही है, जो हम मारवाड़ियों का संस्कार है समाज सेवा, उस क्षेत्र में काम करने में मैं सफल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ और उसका पूरा श्रेय मेरे परिवार और मेरी पूरी टीम को जाता है जो हर एक कार्य में मेरे साथ रहते हैं, मेरा 100% साथ देते हैं। मैं धन्यवाद उनका भी करना चाहता हूँ जो लोग हमें मौका देते हैं। देखिए, काम करने के लिए आपको एक काम करने वाला चाहिए, एक आदमी चाहिए जो वहाँ धन खर्चा करेगा, एक आदमी चाहिए जो तन से लगेगा। इस तरह से जो लोगों की टीम बन के कार्य को करने में मेरी मदद करती है, मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। झारखंड में बहुत सारे लोग समाज सेवी करते हैं लेकिन सिर्फ पूरे झारखंड से आपको झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया है, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ अनोखा मैंने किया नहीं, मुझे भी ऐसा महसूस नहीं होता है, पर मैं कंस्ट्रक्शन में बिलीव करता हूँ। कोई भी कार्य करना है समाज में, जिस चीज़ से एक नया कुछ आए, कुछ लोगों में जो हमारे मारवाड़ी समाज के धर्मशालाएँ बनी हुई हैं या जो हमारे मारवाड़ी समाज के ऑलरेडी हॉस्पिटल बना हुआ है, जो वो सब में कैसे डेवलपमेंट आ सकता है, वो मेरा हमेशा सोचा रहता है कि किस तरह से मैं उनको डेवलप कर सकूँ। ये कार्य शायद लोगों को पसंद आया होगा, इसलिए जितनी मेरी जानकारी है उसके हिसाब से जमशेदपुर में मारवाड़ी युवा मंच की 6 शाखाएं हैं, 6 ने मेरा नाम मनोनीत किया था, इसीलिए उन्होंने मेरा चयन किया। समाज सेवा के क्षेत्र में आने के लिए किससे प्रेरित होकर के आप समाज सेवा के क्षेत्र में आए? मैं अपने परिवार से प्रेरित हुआ, मेरे परिवार वाले शुरू से समाज सेवा के कार्य करते आए हैं और महालक्ष्मी मंदिर जो आप साक्षी में देख रहे हैं, पूरे समाज मारवाड़ी समाज ने मिलकर उसे खड़ा किया है, मारवाड़ी समाज की एक धरोहर है, उसमें हमारे परिवार का भी योगदान रहा है। मैंने वहाँ देखा, सीखा चीज़ों को कि अपने काम धंधे में तो हम सब लगे हुए हैं, करना ही हम लोगों को काम धंधा, उसके बिना हमारे मारवाड़ी मतलब जहाँ न जाए बैलगाड़ी में जाए मारवाड़ी, हम लोग बिजनेस कर लेंगे। तो अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही झारखंड से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे GPN24।